राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के इतिहास में पहली बार भर्ती कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में 70 प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखें और उनके परिणाम घोषित करने की समय सीमा भी शामिल है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह कदम राज्य के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि दिसंबर 2024 तक 1,11,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। यह कदम कांग्रेस सरकार के दौरान हुए पेपर लीक घोटालों और परीक्षा रद्द होने की घटनाओं के बाद उठाया गया है, जिससे युवाओं का भरोसा बहाल किया जा सके। राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है जब किसी सरकार ने अपने कर्मचारी भर्ती आयोग के माध्यम से 2 साल का विस्तृत कैलेंडर, किस संवर्ग की भर्ती कब होगी, कितनी संख्या में होगी, एक निश्चित तिथि पर भर्ती और पारदर्शी तरीके से भर्ती, ये बहुत बड़ा कदम, ताकि राजस्थान का नौजवान अपने पसंद की नौकरी पाने के लिए मेहनत करना प्रारंभ कर दे। राजस्थान की सरकार हरियाणा की सरकार की तर्ज पर बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरी देने का काम कर रही है। वहीं भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवाओं का भरोसा जीता है, जिससे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले 10 माह में 180 से अधिक पेपर लीक माफियाओं को गिरफ्तार किया है। सरकार राजस्थान के युवाओं के हितों के लिए लगातार पिछले 10 महीने से काम कर रही है। मैं सबसे पहले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने न केवल राजस्थान में भर्तियां निकाली, बल्कि जितनी भर्तियां उनके कार्यकाल में आयोजित की गई, उन भर्तियों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने का काम भी भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया। पिछली सरकार के समय पेपर आउट हुए, लाखों छात्रों का, युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ, तो राजस्थान में एक अविश्वास का माहौल राजस्थान के युवाओं के मन में था। भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने सबसे पहले उन युवाओं के मन में एक विश्वास को जागृत किया, और ना केवल जो लोग जिन्होंने उन भर्तियों की को पेपर आउट किया, ऐसे 180 से ज़्यादा अभियुक्तों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा, बल्कि अपने कार्यकाल में जितनी भर्तियां आयोजित की वो सारी पारदर्शी तरीके से आयोजित की, और उससे राजस्थान के युवाओं को लगा कि उनकी मेहनत आज सफल हो रही है, और वो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित हो रही है। वहीं भाजपा नेता उपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रतियोगी परीक्षाएं सही समय पर पारदर्शी तरीके से आयोजित हो। मुख्यमंत्री ने 60,000 से अधिक चतुर्थ श्रेणी और 23,000 वाहन चालक पदों पर भर्ती की अनुशंसा भी की है, जिससे ग्रामीण युवाओं को भी अवसर मिल सके। कई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, बारहवीं का पढ़ाई इसलिए छोड़ देते हैं, आर्थिक तौर पर वो कमजोर होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने पहली बार 60,000 पदों पर चतुर्थश्रेणी कर्मचारी की जो 10वीं पास योग्यता है वो भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएंगे। 60,000 पदों पर जो घोषणा हुई है, इसके अलावा वाहन चालक 23,850 पदों पर उसकी घोषणा हुई है, जिसकी अधिसूचना 1-2 दिन में नियम संशोधन की वो जारी हो जाएगी। यानी कि गाँव का वो व्यक्ति भी जो 10वीं और 12वीं पास करेगा, ग्रेजुएशन नहीं कर सका, डिग्री नहीं ले सका, वो भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएगा। पिछली सरकार में पेपर लीक, जब युवा एग्जाम देने जाता था, एग्जाम देकर घर पहुंचता था, पेपर लीक, स्थिति यह थी। CHO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जब सबूत दे दिए गए लेकिन भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया और न उन्होंने पेपर लीक माना,